हाँ, तो मुझे पता है कि एपिसोड मुझे काफ़ी जल्दी डाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं डाल पाया क्योंकि अभी रिकॉर्ड किया है। एंड इसके लिए काफ़ी सॉरी कहता हूँ तुम लोगों से। एंड करता हूँ एपिसोड की शुरुआत। तो एपिसोड की शुरुआत में हम नासा को देखते जो कि लड़कियों का टेस्ट ले रहा होता है। एंड हम कागोया यानी कि प्रिंसेस को देखते हैं छत पर जो कि उस टेस्ट को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सुकासा और नासा बैठे हुए होते हैं, नासा काम कर रहा होता है। तभी सुकासा कहती है कि डार्लिंग ये कितना फनी है कि जब मौसम काफ़ी गर्म होता है तभी लोगों को स्पाइसी खाना काफ़ी पसंद आता है। या फिर नासा कहता है कि एक्चुअली मुझे मन नहीं करता ऐसा। सुकासा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर किसी का मन करता है। या फिर नासा कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। एंड बाद में सुकासा नासा को एक रामेन प्लेस के बारे में बताती है जहाँ पर स्पाइसी रामेन मिलते हैं। एंड वेल फिर नासा मान जाता है वहाँ पर जाने के लिए। एंड सुकासा कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। एंड नासा कहता है कि रामेन डेट मज़ा आएगा। एंड उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बारे में बता रही होती है कि उसका नाम मियाको हारू एंड वो 16 ईयर्स ओल्ड है। एंड वो ओकिटा मतलब कि जो नासा स्कूल में पढ़ा था उसी स्कूल में जाती है। वो एक काफ़ी अच्छी फैमिली से एंड वो स्कूल में भी काफ़ी अच्छी है, उसके दोस्त भी है एंड उसके टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो उन सब से सेटिस्फाई नहीं है। एंड उसकी एक पर्सनल एंड सीक्रेट आइडेंटिटी है। एंड अब ये आगे बताती है कि ये अलग अलग जगहों पर जाती है रामेन्स की एंड वहाँ पर रामेन खाती है एंड उनके बारे में अलग अलग डिटेल इकट्ठा करती है। एंड बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देती है। इसका मतलब है कि ये एक रामेन नूडल इन्फ्लुएंसर है एंड यही इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। एंड इसकी ये आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है। एंड अब ये रामेन खाने जाते हैं जब वहाँ पर एक पर्सन कहता है कि तुम्हें शेयरिंग टेबल करना होगा क्योंकि टेबल्स नहीं है। एंड अब ये टेबल पे बैठ के मेनू चेक कर रही होती है एंड तब इसकी नज़र सामने जाती है। एंड ये देख के घबरा जाती है कि यहाँ पर नासा भी है। एंड ये सोचती है कि क्या इन्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया है। एंड तभी नासा कहता है कि गुड इवनिंग मियाँ को। एंड तभी मियाँ को और ज़्यादा घबरा जाती है। तभी सुकासा कहती है कि ये कौन है डार्लिंग। एंड नासा कहता है कि मेरी स्टूडेंट है। एंड मियाँ को सुकासा की देख के काफ़ी हैरान होती है क्योंकि ये काफ़ी क्यूट लग रही थी इसे। अब सुकासा नासा से कहती है कि अब हमें रामेन ऑर्डर करना चाहिए। एंड ये ऑर्डर करने को कहता है एंड फिर सुकासा सुपर स्पाइसी रामेन ऑर्डर करती है। एंड फिर मियाँ को सोचती है कि क्या इतनी क्यूट लड़की इतना हॉट खा पाएगी, मतलब स्पाइसी। तभी नासा कहता है कि अगर तुम्हारा वाला ज़्यादा स्पाइसी होगा तो हम वो एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। एंड इतनी केयरिंगनेस देख के मियाँ को काफ़ी ब्लशिंग कर रही होती है एंड काफ़ी हैरान भी होती है वो। अब नासा मियाँ को से पूछता है कि तुम क्या ऑर्डर करोगी। एंड ये कहती है मैं भी वही ऑर्डर करूँगी। एंड फिर इनके रामेन आ जाते हैं। पहले मियाँ को नूडल्स खाती है एंड तभी सुकासा अपने बाल बांधने लग जाती है। एंड मियाँ को कहती है कि ये इतनी सेक्सी लग रही थी कि मैं तो रामेन का ही टेस्ट भूल गई, नहीं मुझे अपने खाने पर फोकस करना चाहिए। एंड जैसे ही सुकासा टेस्ट करती है रामेन तभी उसे काफ़ी तीखा लग रहा है। एंड वो नासा से कहती है एंड नासा कहता है कि हमें एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना चाहिए। एंड ये देख के मियाँ को का मुँह लाल हो जाता है। एंड फिर नासा भी खाता है तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। एंड ये देख के और ज़्यादा उसका मुँह लाल हो जाता है मियाँ को आकवा। अगले सीन में हम देखते हैं सुकासा को जो कि उसके बारे में सोच रही थी मियाँ को के। वो सोचती है कि लोग जितना कहते कि स्कूल गर्ल्स कितनी क्यूट होती है वो इतनी ही क्यूट थी। एंड तभी यहाँ पर आया आ जाती है। वो कहती है तो तुम स्कूल स्टूडेंट से मिले नासा की एंड तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो नासा का दिल चुरा के तुमसे छीन ना ले उसे। एंड तुम्हें अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए नासा पर एंड तुम्हें उन लोगों से लड़ना भी चाहिए नासा के लिए। एंड फिर वो यूनिफॉर्म ड्रेस देती है सुकासा को एंड कहती है कि लो इस पर सोचो ये काम करेगा। एंड सुकासा कहती है कि हमने पहले भी इसे ट्राई कर लिया है। सुकासा के मना करने के बावजूद आया उसे कहती है कि ट्राई करो एंड उसे फोर्स करने लग जाती है। एंड बाद नासा एंड कनामे को देखते हैं जिसमें नासा कुछ लेके बैठा हुआ होता है। कनामे उससे पूछती है कि ये क्या है। एंड नासा कहता है कि मैंने स्कूल में टेस्ट लिया था। एंड कनामे कहती है कि तुमने एक हैंड राइटिंग टेस्ट लिया था।
नासा कहता कि नहीं, मैंने उन्हें कोडिंग का दिया था, 1 आवर देता तो ये ज़्यादा हो जाता। इनका नाम एक कह दिया तो फिर ये हैंडराइटिंग क्यों है? एंड फिर नासा कहता कि शायद कोई चाहती थी कि मैं ज़्यादा काम करूँ, एंड वो कुछ है सच में, क्योंकि मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट है। एंड मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हूँ। एंड तभी यहाँ पर आया आ जाती है। आया नासा से कहती है कि तुम दोनों को शॉपिंग पर जाना चाहिए, एंड वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है पीछे। एंड फिर यहाँ से नासा जाने लगता है, तभी कनामे कहती कि क्या तुमने कुछ किया है? एंड ये कहती कि वो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर जब भी नासा जाता है वहाँ पर, एंड वो देखता है कि सुकासा यूनिफॉर्म में होती है। एंड नासा देख के काफ़ी खुश हो जाता है। एंड वो सुकासा से पूछता है कि ये क्या है। सुकासा बताती है कि ये मुझे आया ने दिया है, एंड उसने मुझे फोर्स किया था इसे पहनने के लिए, हालांकि ये काफ़ी एम्बेरेसिंग है। एंड नासा कहता है, क्या तुम इसमें शॉपिंग के लिए जाने वाली हो? सुकासा कहते कि ऐसे तो मैं एम्बेरेसिंग से ही मर जाऊंगी। एंड नासा कहता है, तो फिर क्या वॉक पर चलना चाहोगे? एंड ये कहते कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एम्बेरेस हो जाऊंगी, एंड तुम्हें इसमें वॉक पर क्यों जाना है? एंड ये कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स लेने के बारे में सोच रहा था। फिर सुकासा कहते कि यार तुम इतने रिडिकुलस कपड़ों में मेरी पिक्चर्स लेना चाहते हो? एंड नासा कहता है कि तो फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं। एंड ये कहते कि तुम इतने अंधेरे में फ़ोटो लेने की बात कर रहे हो, ये काफ़ी अजीब है। एंड तभी नासा आगे आके उसे किस कर लेता है। सुकासा कहते कि मैं नर्वस हो जाती हूँ जबकि सोचती हूँ कि तुम स्कूल गर्ल के साथ होते हो। एंड नासा कहता है कि तुम मेरे साथ हो, एंड इतनी क्यूट वाइफ को होते हुए मैं किसी और में इंटरेस्टेड क्यों होंगे भला? एंड फिर से उसे किस कर लेता है। अब हम आगे देखते कि आया पूछ रही होते कि यूनिफॉर्म में कैसा काम किया। एंड सुकासा कहती है कि बढ़िया काम किया। एंड फिर ये अपने ड्रीम के बारे में बताने लग जाती है कि वो एक पॉन्ड को सुखाना चाहती है पूरी तरह से। एंड वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा एंड काफ़ी मज़ेदार भी। एंड इसकी ये बेवकूफ़ी भरी बातें सुन के सुकासा एंड कनामे का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है। अब आया कहते कि चलो एक पॉन्ड बनाते हैं। एंड कनामे कहते कि तुम्हें पता है कि पॉन्ड कैसे बनता है? एंड ये कहती है कि एक खड्डा करो और उसमें पानी भर दो और क्या। कनामे कहती है कि मुझे तो तुम्हें ही गड्ढे में डालने का मन कर रहा है। तभी सुकासा कहती है, अगर ऐसी बात होती तो हर एक गड्ढा पॉन्ड होता। एंड फिर आया कहती है कि अगर ऐसी बात है और इतना टेक्निकल है तो फिर मैं एक एक्सपर्ट से बात करने जा रही हूँ। एंड फिर ये नासा के पास पहुँच जाते हैं, नासा से बात करती है। एंड नासा कहता है कि तुम ऐसे पॉन्ड बनाना क्यों चाहती हो? एंड ये कहती है कि मैं उसे बस सूखते हुए देखना चाहती हूँ। पहले तो नासा थोड़ा हैरान होता है, इन मन में सोच रहा होगा कि खोपड़ी फोर साले की। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है। एंड बाद में ये चारों बाहर होते हैं, बट कनामे कहती है कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। एंड फिर आया भी यही बात करती है। एंड नासा कहता है कि कोई बात नहीं। एंड फिर सुकासा को कहता है कि तुम बाहर मत रहो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, तो तुम अंदर जाके वीडियो गेम्स खेलो। एंड सुकासा कहती है कि मैं तुम्हें काम करते हुए देखना चाहती हूँ। एंड फिर नासा काम पे लग जाता है, बट जैसे ही नासा फावड़ा मारता है पूरी तरह से वाइब्रेट हो जाता है। एंड सुकासा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी जगह कर दूँ? एंड नासा कहता है कि नहीं। एंड फिर वो गूगल में सर्च कर लेता है कि कैसे खोदना चाहिए। एंड फिर वो खोदने लग जाता है। थोड़ी देर बाद नासा खोद देता है। एंड सुकासा इसके लिए कोल्ड कॉफ़ी लाती है। एंड जैसे ही नासा पीता है तो सुकासा उसे ही देखती रहती है। एंड फिर नासा कहता है कि क्या हुआ? एंड सुकासा कहती है कि आज तुम काफ़ी अलग लग रहे थे रोज़ के मुकाबले, एंड काफ़ी कूल भी लग रहे थे। एंड फिर अब नासा ब्लश करने लग जाता है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में नासा का शरीर पूरा टूट रहा होता है काम करने की वजह से, बट इसने पॉन्ड तैयार कर दिया होता है। एंड इसने कहा था कि पॉन्ड को अभी ठीक होने में पूरे 5 दिन लगेंगे कंक्रीट को अपनी जगह लेने में। अब स्कूल में आती है कुरेनाई। एंड नासा से कहती है कि क्या तुम कभी हार्वर्ड चले गए थे जो कि तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो? एंड नासा कहता है, मैंने तो अभी तक हाई स्कूल भी नहीं किया है। एंड इतना सुन के कुरेनाई हैरान हो जाती है। तभी पीछे से जैसी आ जाती है, वो कहती है कि तुम लोग क्या मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हो नासा? एंड फिर उषा कहती है कि इसके लिए हम तुम्हारे घर भी आ जाएंगे, एंड वैसे भी हम तुम्हारी वाइफ देखना चाहते हैं। एंड नासा कहता है कि मैं वैसे बाथ हाउस में रहता हूँ। एंड अब नासा सारी लड़कियों को लेके चला गया होता है बाथ हाउस में। एंड फिर सारी लड़कियाँ पूछती है कि नासा की वाइफ तो काफ़ी क्यूट है। एंड तभी शेरोगाने कहती है कि सारी लड़कियाँ टिकट लो और चलो। एंड तभी शेरोगाने पूछती है कि कितने पैसे होंगे। एंड सुकासा कहती है कि टिकट काउंटर वहाँ पर है। ओके, मुझे पता है कि टिकट मशीन है वहाँ पर, ठीक है। एंड अब ये सब बात हाउस में चले जाते हैं। एंड ये कह रहे होते हैं कि ये दोनों मैरिड है तो ये साथ में नहाते भी होंगे, एंड रात में ना जाने क्या क्या करते होंगे। एंड ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं नासा एंड सुकासा के बारे में।
अब खुरे नायक कहते हैं कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव अब तो पहचान में नहीं आ रही हो और काफ़ी क्यूट भी लग रही हो। तभी वो कहती है कि फिर ले जैसी को देखो वो कैसी लग रही है। एंड फिर वो पीछे देख के कहते कि वैसे तुम कौन हो। हालांकि ये गुस्सा होती है लेकिन ये इन्हें पहचान नहीं पा रही होती है। बाद में हम सुकासा और कनामे को देखते हैं जहाँ पर कनामे को बताती है सुकासा कि उसकी हस्बैंड की स्टूडेंट यहाँ पर आई हुई है। एंड कनामे कहती है कि सोचो नासा काफ़ी पॉपुलर होगा जिसकी वजह से लड़कियाँ यहाँ पर आई है एंड ये लोग उन्हें पसंद भी करती होगी नासा को चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो। वैसे ये हमारे लिए अच्छा है काफ़ी। वैसे भी तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड पर कोई विश्वास करे। एंड सुकासा कहती कि हाँ। एंड फिर हम जैसी को देखते जो कह रही होती है वो मियाँ को से कह रही होती है कि क्या पहले तुम कभी सोना में गई हो। एंड ये कहती कि नहीं। एंड फिर ये जाने लगते हैं आगे। एंड ये दोनों गर्म बाप की वजह से वापस आ जाते हैं। तभी सिरोगा ने इन दोनों को लेकर अंदर जाती है। वो कहती है कि इतना भी गर्म नहीं है, तुम बेकार में ही ड्रामा कर रही थी। एंड ये कहती कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो कॉन्टेस्ट करते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा देर तक वो सोना में रहेगा उसको सबकी तरफ से एक ड्रिंक्स मिलेगी। लेकिन सबकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर उषा जीत जाती है, सबकी ड्रिंक्स पीने लग जाती है एंड सबकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। एंड मियाँ को की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। सब कहते कि हम तो यहाँ पर स्टडी करने आए थे लेकिन अब तो स्टडी करने का मन ही नहीं है। एंड फिर शाम को ये लोग चले जाते हैं यहाँ से। सुकासा यहाँ पर कहती है कि हाई स्कूल लड़कियों के अंदाज ही अलग है। एंड नासा कहता है कि तुमने सही कहा। एंड सुकासा कहती है कि तुम्हारे लिए तो काफ़ी अच्छा ही है, सारी क्यूट्स गर्ल है ना यहाँ पर। नासा कहता है कि मुझे उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी क्यूट वाइफ है। एंड सुकासा यहाँ पर स्माइल करती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पॉन्ड तैयार हो गया होता है, इसमें पानी भी होता है। आया कहती है कि चलो सारा पानी सुखा देते हैं। ये सुन के ये तीनों ही कहते हैं कि क्या। एंड फिर इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है यहाँ पर। आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया हो तो एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। और कुछ नहीं मांग रहा, तब तक के लिए बाय बाय।